गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द विजडम स्कूल। बेटे, आपको पाठ एक सबसे प्यारा हिंदुस्तान उसकी एक्सप्लेनेशन करवा दी गई है। चैप्टर रीड भी हो चुका है हमारा। इसके अलावा श्रुतलेख यानी डिक्टेशन वाले वर्ड जो हैं, डिक्टेशन वर्ड वो भी आपके हो चुके हैं और वर्ड मीनिंग भी आपके, शब्द अर्थ भी आपके हो चुके हैं। अब हम करेंगे, आज हमने क्या करना है, आज इस वीडियो में हम पेज 11 करेंगे, ऊपर से नीचे तक करेंगे। सबसे पहला हमारा है, आइए बातचीत करें में हम किसके आंचल की छांव में बड़े हुए हैं। तो आपका उत्तर होगा, वहां पर आपने लिखना है, साइड में आपको जगह दी है उस पे आपने लिखना है कि मातृभूमि के आंचल की छांव में। उत्तर क, इसमें आपने लिखना है मातृभूमि की छांव में। ओके, नेक्स्ट है आपका, मातृभूमि ने हमें क्या क्या सिखाया है। ख है आपका, सबसे पहले आपको खेलना सिखाया है, हंसना, रोना और गाना। यहां तक आपने लिखना है। इसके बाद आपने लिखना है कि ग में बाघों की क्यारी में क्या होता है, बाघों की क्यारी में क्या होता है बेटे, भोरों का गुंजन, ये आपका पहला जो सबसे ऊपर है, आइए बातचीत करें वो वाला प्रश्न हो चुका है। उसके तीन भाग थे जो हमने यहां पर कर दिए हैं। इसके बाद सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है, सही विकल्प चुनकर आपने सही का निशान लगाइए। ठीक है, आपने सही विकल्प चुनना है। हमारे देश का क्या नाम क्या है, सबसे पहला है हमारे देश का नाम क्या है। आपके ऑप्शन में बहुत तीन है ऑप्शन बेटा, अलग अलग नाम दिए हैं, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और स्वदेश। आपने हिंदुस्तान पे टिक करना है, राइट का निशान लगाना है, हिंदुस्तान। इसके आगे आपने सही का निशान लगाना है। दूसरा है तितलियों का नर्तन कहाँ होता है, तितलियों। कहाँ पे होता है तितलियों का नर्तन, फूलों पर, फूलों पर। इसका भी दूसरा है बेटा, फूलों पर। खेत खलिहान किससे भरे हैं, ग है खलिहान किससे भरे हैं।
अन्न से, तीसरा आएगा अन्न से, इसके आगे सही लगाना है, इसके बाद कोयल कहाँ गाती है, इसका भी तीसरा है बेटा बागों में। बागों में। अब बेटा दूसरा प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि किस पर कुर्बान होने के लिए कह रहा है? पहला है कवि किस पर कुर्बान होने के लिए कह रहा है? किस पे कह रहा है बेटा? देश पर। मातृभूमि पर, देश पर। देश और उत्तर आएगा, देश और अपनी मातृभूमि पर। यहां तक हो गया। दूसरा ख है बेटा, हम अच्छे इंसान कैसे बने हैं? कैसे बने हैं? उत्तर आएगा मातृभूमि की ममता और छाया पाकर। मातृभूमि की ममता और उसकी छाया पाकर हम अच्छे इंसान बने हैं। फिर है बसंत ऋतु में क्या होता है? ग बसंत ऋतु में बसंत बोलो, बसंत बोलो, एक ही बात है बेटा, क्या होता है? भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें से एक ऋतु बसंत ऋतु बताई गई है। ठीक है, बसंत ऋतु में क्या होता है? बसंत ऋतु में हरी भरी फसलें
खेतों में खड़ी मुस्कुराती है, खड़ी मुस्कुराती है। मुस्कुराती का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल, और या फिर इसे कहते हैं लहलहाना। ठीक है, यहाँ पर लहलहाना वर्ड भी आ सकता है। हमें ये बताया है, पार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वसंत ऋतु में हरी भरी फसलें खेतों में खड़ी मुस्कुराती हैं और क्या होता है, कोयल मस्त होकर गाती है। ठीक है, इसके बाद घ क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दो का घ पार्ट। धरती हमारी माता कैसी है, उत्तर है धरती माँ ने, धरती माता ने हमको माँ की तरह ही ममता और छाया प्रदान की है। इसने इसलिए धरती हमारी माता है। बेटे आप सभी का पेज नंबर 11 पूरा हो गया है। आप सभी ने आज का काम क्या करना है, पेज नंबर 11 पूरा करना है, रफ नोटबुक पे करना है। रफ नोटबुक पे कुछ भी नहीं करना, आपने सारा काम बुक पे ही करना है क्योंकि ये बुक वर्क ही है। ठीक है बेटा, कोई भी बच्चा रफ नोटबुक पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो आपको स्पेस है वो बुक में प्रोवाइड करवाया हुआ है, बुक में आपको जगह दी है, उसी जगह में आपने मैनेज करके लिखना है। लास्ट जो हमारा प्रश्न है, घर धरती हमारी माता कैसे है, उस वो थोड़ा लंबा है, उसके लिए नीचे जगह दी हुई है, आपको मैनेज करना है। तो आपने पेज 11 बुक पे ही करना है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।